नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे BECIL का रिक्रूटमेंट है 2021 का। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। 103 यहाँ पे वैकेंसीज हैं आपकी सुपरवाइजर की, सीनियर सुपरवाइजर की। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL का रिक्रूटमेंट है 103 वैकेंसीज के लिए, 103 वैकेंसीज के लिए। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 18 जून से लेकर 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो केवल 12 दिन दे रखे हैं आपको, 18 जून से लेकर 30 दिन जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ये नोटिफिकेशन है, ये है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। हैंडीमैन, लोडर और सुपरवाइजर की, सीनियर सुपरवाइजर की यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं। 103 यहाँ पे पद हैं, केवल 103 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 18 जून से आवेदन कर सकते हैं, 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग इसमें खाली आप BECIL डालोगे गूगल पे तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे, इसकी वेबसाइट में आप सीधे पहुँच जाओगे। इसका नोटिफिकेशन आप लोग PDF में डाउनलोड कर लेना, मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से PDF में जरूर डाउनलोड कर लेना इसके नोटिफिकेशन को, ताकि आप लोग विस्तार से इसके बारे में आप लोग रीड कर सको। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में आपके वैकेंसीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हैंडीमैन और लोडर के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अमृतसर में दोस्तों 8 वैकेंसीज़ हैं, इंदौर में 40 है, राजामुंद्री में 1 है, देहरादून में 1 है और तिरुपति में 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी अनस्किल्ड के लिए रखा गया है। यहाँ पे सुपरवाइज़र की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अमृतसर के लिए 5 है सुपरवाइज़र की भर्तियाँ, इंदौर में 14 है, राजामुंद्री के लिए 1 है, देहरादून के लिए 0 है, तिरुपति के लिए 3 है। और बाकी इसमें स्किल्ड चाहिए आपको, जो होना चाहिए स्किल्ड कैटेगरी के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पे BECIL के रिक्रूटमेंट के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए नहीं चाहिए, इसके बारे में पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। अपर एज लिमिट कितनी है, एज लिमिट कितनी है, पूरा इस बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप हैंडीमैन और लोडर के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके पास जो होना चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 45 साल, ये हैंडीमैन और लोडर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, आप 8वीं पास होने चाहिए, 8वीं पास आप हों, और आप मतलब जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो वहाँ की आप कंपनी के मतलब लोकल लैंग्वेज को आप बोल सकें, और साथ में हिंदी तो आप बोल ही सकें। तो यानी कि इसका मतलब है, अगर आपकी मान लीजिए आपका बिहार में अगर पोस्टिंग हो जाती है तो आपको मतलब बिहार की लैंग्वेज आनी चाहिए। इस तरीके देहरादून में अगर हो जाता है तो UK की लैंग्वेज आनी चाहिए, कुमाऊनी आनी चाहिए, गढ़वाली आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि उस जगह की लोकल लैंग्वेज आना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है। साथ ही आपका हिंदी आपको आनी चाहिए, ठीक है। 8 पास केवल मांगा गया, 8वीं पास मांगा गया हैंडीमैन लोडर के लिए, ठीक है। और आप जो है इंग्लिश को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 साल का जिसको एक्सपीरियंस होगा उसको यहाँ पर थोड़ी मतलब उसे प्रीफ्रेंस दी जाएगी, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और चीज़, अगर आपके पास ये लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी नहीं है तो आप लोग तब भी अप्लाई कर देना, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए 30 ईयर रखी गई मैक्सिमम एज, एजेंशियल केवल ग्रेजुएशन मांगी सुपरवाइज़र के लिए, थोड़ा कंप्यूटर चलाना आप लोग जानते हो, एक्सपीरियंस 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। वैसे ये प्रीफरली करा गया है, तो प्रीफरली का मतलब ये होता है कि आपको ये ऐसा मांगा गया है, मतलब इनको प्रीफर करा जाएगा 1 साल वाला एक्सपीरियंस। हो सकता है प्रेशर वालों को भी ले लें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो कार्गो इंडस्ट्री में मांगा है दोस्तों, ठीक है, कार्गो में मांगा है, इंडस्ट्री में। और जैसे कि आपका कार्गो हैंडलिंग में भी आपका ये आपका हैंडीमैन और लोडर का एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का। तो यहाँ पे आपके पास हो या ना हो आप लोग आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीनियर सुपरवाइजर के 35 साल तक मांगा गया है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज सेम मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इंडस्ट्री कार्गो इंडस्ट्री में मांगा गया। आवेदन कैसे कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट नंबर में जाना, वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी। अपनी वेबसाइट में जब आप जाओगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021-61 मिलेगा, यानी है 2021/61। इसमें आप क्लिक करते बेसिक डिटेल डालोगे, फॉर्म सा खुलेगा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने सिग्नेचर और अपनी फोटोग्राफ अपलोड करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करोगे, पेमेंट करोगे ऑनलाइन जितनी फीस रहती है, फिर आपको जो होगा ईमेल जो होगा अपने स्कैन डॉक्यूमेंट को ईमेल आईडी में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पेज पे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे दे रखा है, ईमेल को आपको स्कैन डॉक्यूमेंट के साथ आपको ईमेल आईडी जो मेंशन होगी
यहाँ मैं भी आपको बताऊंगा, उस पर आपको भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक देखो दोस्तों 18 जून से एक्टिवेट हो जाएगा, 30 जून तक ये होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 18 जून से एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। देखिए एप्लीकेशन मैं यहाँ पे जिस शर्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है 1, 2, 3 वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से दे रखे हैं कि जैसे वहाँ पे जो है आपका हैंडीमैन लोडर के लिए 1 होगा, ये सुपरवाइज़र के लिए 2 होगा। तो सुपरवाइजर कुछ भी आप जो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। यहाँ पे नेम आप लोग डालना पड़ेगा, अपना नेम मांगा गया है, फादर्स नेम मांगा गया है। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस नंबर है या नहीं है, तो इसको रहने देना, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा। पैन कार्ड जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पैन नंबर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कैटेगरी क्या है वो आएगी, कि अमाउंट जो आपको जीएसटी के थ्रू पे करना पड़ेगा वो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर जो भी है, आपका मेल है फीमेल है, अपना एड्रेस, सिटी जिस शहर में रहते हो, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, स्टेट और पिन कोड। इसके बाद सेव नेक्स्ट जब करोगे, सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको इसी तरीके से आपको लगातार इस फॉर्म को भरते चले जाना है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे हो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से सीधे चले जाना, इससे अप्लाई कर देना। फीस मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, जनरल की 750 है। ठीक है, और अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा अगर एडिशनल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे आपको उसी के लिए। ठीक है, इसी तरह ओबीसी के लिए भी 750 रुपये, 750 है, 500 रुपये भी उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर वो किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, एससी एसटी के लिए 450 रुपये है, तो यहाँ पे एससी एसटी को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। यहाँ पे 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा अगर किसी एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उनके लिए भी, एक्स सर्विस मैन के लिए भी आपकी 750 रुपये फीस है, 500 रुपये उनके लिए हैं जो इसके साथ एडिशनल अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 750 प्लस 500 इस तरीके से 1250 रुपये हो जाएंगे। ऐसे वुमेंस के लिए भी 750 से लेकर 500 रुपये रखी गई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है, और 350 रुपये आपका वैसे रखा गया एडिशनल फीस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके से रखी गई है, आप लोग इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, 450 से लेकर 300 रुपये रखेंगे। ध्यान रखिएगा आपको कि यहाँ पे आपका BCL का रिक्रूटमेंट है दोस्तों। ठीक है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके की मोर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।